आहन अपना अपना भाजपा के विधायक आहन दिवराज सिंह आहन ना आई अपना गांव के भीतर ना घुसी 10 साल अपना का किया ना थे विधायक के तो 10 साल ये भाजपा झंडा लगे कैसे भी घुस गया गांव के भीतर कौन घरे आन है 10 साल में कौनो घर नहीं दिखान था अपना पंचन का नहीं अपना अपने घर नहीं दिखान रहा 10 साल में विधायक जब 10 साल दिखावे नहीं भेज तो विधायक से का बात करी ये वायरल वीडियो तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे का सच क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। द खबरदार न्यूज के 51,000 फॉलोवर्स फेसबुक में कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है और ये सपोर्ट ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। हाल ही में जो वीडियो आपने शुरू में देखा, उस वीडियो में जो शख्स आपको गाड़ी में बैठे आदमी को गांव से बाहर जाने को कहता है, उसका नाम रवि सिंह है और ये वीडियो रीवा के सिरमौर विधानसभा का है। रवि सिंह के ऊपर भाजपा मंडल महामंत्री श्रीधर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि रवि सिंह ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें गांव में घुसने से भी रोका गया है। वहीं उन्होंने रवि सिंह को कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बता दिया। तो चलिए आपको श्रीधर शुक्ला द्वारा दिए गए बयान को भी सुनाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल सिरमौर का महामंत्री हूं। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से आपको वहां जाने से प्रचार करने से रोका जा रहा है, ये कहां का है और ये घटना कैसे हुई? ये 3 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को आना था, उसके विषय में अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करने के लिए मैं ग्राम पंचायत रिमारी अंतर्गत फरहत ग्राम है, वहाँ कार्यकर्ताओं से मैंने कहने के लिए कि आना है और प्रोग्राम के लिए चर्चा करनी थी। मैं प्रचार की गाड़ी लेके वहाँ फरहत पहुँच गया तो वहाँ पर एक मोटा सा कार्यकर्ता रवि सिंह, कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो रवि सिंह, उनके पिता का नाम लल्लू सिंह है, वैसे भी इनके परिवार का बैकग्राउंड अपराधी किस्म का रहा है, हम उनको समाज जानता है, सब जानते हैं। तो वो अचानक गाड़ी के सामने आ गया और घर तरफ जाने से लिए रोका और फिर हो गया पार्टी को गाली, विधायक को उल्टी पुल्टी बातें करने लगा, गाड़ी के तोड़फोड़ माने करने के लिए कहने लगा। तो हमने सोचा कि भाई इससे भी बात मत करो, हम समझाए कि भाई हम विधायक नहीं हैं, तुम विधायक से बात करो, तो वो बोलता रहा। तो फिर हम वापस लेके गाड़ी चले आए। फिर आप उस गांव में नहीं गए अंतोगत्वा, क्या वो हुआ, क्या कुछ और बातें भी हुई वहां? नहीं, वहां कुछ बातें नहीं हुई, बगल में उनके मैंने कुछ दूर पुरुजी के गाँव के गोपाल सिंह जी बड़े आदमी हैं, उन्हें देखा हमको तो बुला लिया और गए तो बैठाया उठाया और वहाँ बैठने लगे और बैठ के बात करने लगे, तब वहाँ भी ये पहुँच गया था और उनके घर में उल्टी सीधी बात करने लगा था, गाड़ी फोड़ देंगे, चार चक्का माने आपका हम पंचर कर देंगे, लड़कों को बुला के माने हमला करवा देंगे। तो उन लोगों ने भी उनको भला बुरा कहा, पर हमने सोचा कि विवाद ना हो तो फिर हम गाड़ी लेके चले आए। अब ये तो था श्रीधर शुक्ला का बयान जो इन्होंने रवि सिंह पर लगाया, लेकिन खबरदार ने इस वीडियो के तह तक जाने की कोशिश की तभी हमें रवि सिंह का ये वीडियो मिला। तो आइए रवि सिंह को भी सुन लेते हैं, फिर पूरे मुद्दे में जो हमारी टीम ने पड़ताल की और लोगों से बात की, रवि सिंह से बात की, वो खबर भी आपको तुरंत दिखाते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार सिंह, फरहत जागीर 329 का निवासी। मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपराधी, अब मेरे पूरे परिवार को अपराधी बताया जा रहा है, जबकि मेरे नाम से आज तक किसी भी थाने में मेरे नाम से कोई भी अपराध दर्ज नहीं है। अतः मैं माननीय जी से निवेदन करता हूं कि जबकि विकास आज तक नहीं कर पाए 10 सालों में और विकास पूछने पर मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, तो आप जनता ये बताइए
कि अगर मैं अपराधी हूँ और 5 लाख रुपए दे करके मैं अपने गांव के लिए रोड बनवाया हूँ, हैं खबरिया न्यूज़ के चैनल वाले, खबरिया न्यूज़ के चैनल वाले जिसने ये वीडियो वायरल करवाई है, उसके लिए सीधे शब्दों में एक ही शब्द है, आ करके आप गांव के अंदर विकास देखिए। 10 सालों का विधायक जी का, विधायक जी का 10 साल का विकास आप देखिए और आप निर्णय करके बताइए कि मैं गलत हूं कि विधायक जी गलत हैं। और ये चमचे जो भी हमको कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूं, मेरे नाम से कितने अपराध दर्ज हैं आप वर्णन कीजिए। अगर एक भी अपराध दर्ज होगा, मैं आज से अभी से अपने ग्राम क्षेत्र में कभी जिंदगी में बोलने का। तो सुना है आपने, ये था रवि सिंह का बयान। हम आपको पूरे मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। जब हमने इस मुद्दे को लेकर रवि सिंह और उनके गांव वालों से बात की, तब उन्होंने हमें जो बताया तो उससे इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो जाती है। तो आइए रवि सिंह के साथ और उनके गाँव वालों के साथ हुई चर्चा को भी आपको सुनाते हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्वागत करते हैं रवि जी और आपके साथ इस भिमारी ग्राम पंचायत के जो भी जन समुदाय है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, मैं रवि कुमार सिंह, हम ग्रामवासी सभी यहाँ एकत्रित हैं। मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है जिसमें मुझे अपराधी कहा जा रहा है, जबकि अगर विधायक जी से मैं 10 साल का विकास पूछ लिया तो मुझे अपराधी कह दिया गया है। तो मैं सभी जनताओं से ये अपील कर रहा हूं कि अगर मैं अपराधी हूं, अपने गांव का विकास पूछ रहा हूं, तो अगर अपराधी होने के कारण मैं गांव का विकास अगर ले रहा हूं तो मुझे अपराधी क्यों कहा जा रहा है। इस वीडियो को लेकर के कई सवाल मेरे जहन में हैं, उन सवालों पर मैं आता हूं कि क्या आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण अभी तक दर्ज है? सर, हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण आज तक नहीं दर्ज है। रीवा जिले के अंदर बैकुंठपुर थाना हमारा लगता है आज भी, वहां भी कोई आपराधिक विकल्प नहीं है। ना हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आज हम एक ग्रामवासी ही हैं सिर्फ सर। और हमारा आप मुझे घटना की पूरी जानकारी बताइए कि आखिर ये घटना कैसे हुई, आपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को अपने गांव से क्यों भगाया आप गांव वालों ने? सर, घटना ऐसी हुई कि आज से 8 साल पहले हमारे बड़े भाई साहब बेंगलोर में जो फार्मेसी कॉलेज चलाते थे, उनके द्वारा हमारे गांव में ये समस्या थी कि रोड नहीं थी। तो वो क्या था कि पैसे कमाते थे, आए गांव में ये देखे कि गांव के लोग परेशान है, तो उन्होंने अपने 5 लाख रुपए लगा करके मिट्टी का काम कराया। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, इस रोड को आज भी उसी तरह है सर, ये देखिए, ये देखिए सर, ये पूरी रोड आज भी मिट्टी की बनी हुई है। यहां से वहां तक कम से कम 5 किलोमीटर की रोड है सर, पर इस रोड का आज तक विधायक, ये पगडंडी नहीं सर, ये हम लोग मिट्टी का रोड बनाए जिसमें विधायक जी से सहयोग राशि मांगा गया, आज तक नहीं दिए। ये पगडंडी नहीं है सर, ये गांव की मुख्य रोड है सर। बोल के कहे और विधायक जी अपने द्वारा इस रोड का उपयोग करते हैं हर दिन, ये पूरे गांव वासी ये है सर। एक मिनट देखिए, आप लोग आइए सामने, हम ये जानना चाहेंगे कि ये शासकीय भूमि पर निर्मित मार्ग है या आप लोगों ने प्राइवेट लैंड पर जो है तो जन सहयोग से ये मार्ग बनाया हुआ है। सर, ये हमारी खुद की जमीन है, मैं अपनी पर्सनल जमीन दिया हूँ रोड के लिए सर। ये पूरे ग्रामवासी खड़े हैं सर, आप देख लीजिए, काम पहले शुरू हुआ है, काम पहले शुरू हुआ है सर, फिर बीच मतलब काम शुरू करने के बाद भाई साहब खत्म हो गए और उसी के मतलब जैसे जिस दिन भाई साहब को दाह संस्कार किया उस दिन चुनाव था, विधानसभा का हमारे यहाँ चुनाव था सर। हम लोगों ने वोटिंग भी की सर जा करके, जबकि हमारी वोटिंग पूर्वा में पड़ती है, यहाँ से 4 किलोमीटर पास जाना पड़ता है, रास्ता वहां के लिए भी नहीं है सर। शुक्ला जी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जो शुक्ला जी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उनके गांव में वोटिंग होती है, पर उनके गांव जाने के लिए भी हमारे पास रास्ता नहीं है सर। तो क्या 10 वर्षों के कार्यकाल में जो है तो विधायक जी के द्वारा आपकी ग्राम पंचायत की जो 5 किलोमीटर लगभग लंबी सड़क है तो इसको लेकर के कोई प्रयास नहीं किया गया या आप लोगों के द्वारा आग्रह नहीं किया गया, क्या सच्चाई है इसकी? सर, लगभग हमारे द्वारा 10 बार प्लाजा के बगल में जहां विधायक जी बैठते हैं, मैं गया हूं स्वयं,
कितने बार कागज लेकर के विधायक जी के प्रतिनिधि मिलते थे, जैसे मुरारी सिंह हो गए, एक हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, जो जिनको मैं वापस किया हूँ, ये 50,000 का डिमांड रखे थे एक बार कि आप 50,000 गांव वासी दे दीजिए, हम आपकी रोड बनवा देंगे, विधायक जी से पैसा पास करवा देंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी सर। तो हम लोगों ने घूस तो नहीं दी किसी जगह पे, हम लोगों ने जो काम किया सर, पूरे ग्रामवासी आप सबसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गांव वालों को देता हूं फोन, आप लीजिए जी, बोलिए। जो ये गलती, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती दिखाई देती है, हम आपसे जानना चाहेंगे, और असल में मामला क्या है? मैं विवेक गौतम सर, नमस्कार जी। नमस्कार, आप थोड़ा, आप सवाल थोड़ा दोबारा करिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी ये जो रोड की बात चल रही है, आखिर इसमें असली समस्या क्या है? क्या इसमें ऐसा है कि किसी की जमीन पड़ रही है पर्सनल और वो नहीं जमीन दे रहे हैं, या जमीन तो है मतलब सरकारी रिकॉर्ड में लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है? सर, जमीन का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जमीन थी उन्होंने दे दिया है, और ये जो रवि सिंह का मामला है, तो ये इन्होंने अपने घर तक कोई सड़क लेके नहीं आए थे, इनके घर के आगे भी बस्तियां हैं, तो ये अपने घर से आगे भी दिए, अपने एक बड़ा खेत है उनका, उसकी मेड़ से दिए थे, ये मिट्टी उट्टी डलवा के दिए थे, और उसमें विधायक जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि हम ये सड़क पूरी करवाएंगे, और उन्होंने 2-3 बार आश्वासन दिया, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए, और ये विरोध किए जाने पर इनको अपराधी घोषित किया गया है, और जहां और जब तक इनके हर जगह, जैसे अभी सिरमौर, आप सिरमौर विधानसभा से हो है ना? जी जी। सिरमौर विधानसभा में क्या बाकी पार्टियां, जैसे 3-4 पार्टियां आज के समय में चुनाव लड़ रही है जी, तो जी, क्या बाकी जो विपक्ष के लोग थे वो लोग आप लोगों से कभी नहीं मिले कि हम लोग कुछ मदद करते हैं या इसके लिए आवाज उठाते हैं? सर सर, विपक्ष तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग जो है तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे, और पिछले 10 सालों से भी सपोर्ट किए, और लेकिन इनके अपने द्वारा इनको बोला गया, विधायक जी को, कि आप ये सड़क पास करवा दीजिए, आपका कुछ सहयोग इसमें मिल जाए, तो वो आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए, और इनको जब तो नेताओं का काम ही है, नेताओं के कार्यकर्ताओं का, और आश्वासन दे दिए, 50,000 मांग लिए, हो सकता है आप लोग अगर दे देते तो 50,000 उनकी जेब में पहुंच जाते जी, पर लेकिन काम नहीं होता सर। जी, एक सवाल और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि चूंकि चुनाव का मौसम चल रहा है और हर प्रत्याशी जन सहयोग वोट लेने के लिए जी, तो क्या किसी गांव में जाने से किसी भी प्रत्याशी के समर्थक को रोकना उचित कहा जा सकता है? और दूसरी चीज, श्रीधर जी ने अपने उसमें दूसरे न्यूज से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह जी के यहाँ भी वो बैठे थे, तो रवि जी वहां पर भी जाकर के कुछ बातचीत, तो भतीजे हैं, बता दो गोपाल सिंह की, ये गोपाल सिंह जी के भतीजे हैं हमारे पास, तो ये क्या आप उन्हीं से जो है तो बात कर सकते हैं कि क्या क्या गलत कहा गया था उस दिन? नहीं, बिल्कुल सही गया है, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, बस आश्वासन दे देते हैं, हो गया, जो की रोड मतलब की हमारी निजी रोड साबित की गई है। जब ये बातचीत हो रही थी रवि जी के और जो श्रीधर जी है उन दोनों के बीच में, तो उस वक्त आप मौजूद थे क्या? जी जी, तो क्या बातचीत हो रही थी? कोई बातचीत नॉर्मल हुई है जैसे जी, कोई आपत्तिजनक भाषा नहीं बोली गई, नहीं नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर, सिर्फ विकास के नाम पर उनको रोका गया। जनता अगर वोट देती है तो जनता का हक है पूछने का कि 5 साल बाद फिर चुनाव के लिए आए हो, वोट मांगने के लिए आए हो, तो हमारे लिए क्या किया तुमने? अच्छा, मुझे जी जी बिल्कुल, ये तो हमारा हक है, सड़क तो है ही नहीं, पगडंडी है, बारिश वगैरह में गांव वाले कैसे सड़क का उपयोग करते होंगे, उसके तरह से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बरसात हो जाए तो आदमी पैदल नहीं आ सकता, एम्बुलेंस की बात हम क्या करें, खाट में ले जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाए। वो नेता जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको ये साबित करना चाहिए कि उन्होंने रोड बनवा दी,
या आपकी समस्या दूर हो गई फिर भी आप लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं या नहीं घुसने दे रहे हैं, तब तो समझ में आता है। ये तो भेदभाव किया जा रहा है ना उनके ऊपर, ये तो भेदभाव है सरासर। ये तो वही हो गया ना कि जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। जी जी जी, उन्हीं की लाठी उन्हीं की भैंस। और सर बात ऐसी है कि ये जो सड़क है यहाँ ग्राम तीन ग्राम पंचायतें लगती हैं, फराद लगती है, डेली लगती है और पुरवा लगता है, और ये तीनों गांव जो है तो सिरमौर विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं, और इन तीनों मतलब फराद 329, डेली वार्ड क्रमांक 10 और फराद वार्ड क्रमांक 16 और पुरवा वार्ड क्रमांक 16 है शायद, तो वहां भी सड़क नहीं है और जो विधानसभा है सिरमौर विधानसभा के ही अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ इन तीनों गांवों को जोड़ा नहीं गया सड़क से, और तीनों गांवों के लोग जो है डिस्कनेक्टेड है, वंचित है, वंचित है जी। बिजली है आपके गांव में ना? बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, मतलब आप हम लोग क्या कहते हैं यहाँ जो बंबू होता है बांस जिसको बोलते हैं वो लेके जाते हैं, मतलब एक एक किलोमीटर तक ऐसा है। कहिए कि बिजली का अगर देखना है तो हम आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे, ट्रांसफार्मर है जो एसपी है, जो कलेक्टर है या जो बाकी के अन्य अधिकारी है जिनका तो मैंने उनको अपने हाथ से एक लेटर दिया था, उसमें गांव की सारी समस्याएं लिख के दिया था, लेकिन उन्होंने वहां एक सरपंच थे उस समय के, वर्तमान सरपंच थे, उनको दिला दिया था और बोले कि इसमें हम आपका वो करेंगे, लेकिन आज तक रूपला भी चले गए और सरपंच भी दो तीन चुन के आ गए, लेकिन आज तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा आप लगता है कि लेकिन विधान सामने है, ये सामने दिखाइए स्कूल का क्या हाल है, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल में कि? अच्छा ये जो आपको तो इसका फरा 300 दिखाइए और ये आपको हम लाइव भी दिए हैं, ये देखिए यहाँ का शौचालय है, ये छोटे छोटे बच्चों का शौचालय है सर, ये देखिए बहुत ज्यादा कैमरा मत हिलाओ, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है, दिखाओ शौचालय जरा। तो मैं ये मध्य प्रदेश की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि ये है देश के उन बच्चों का शौचालय जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। दिख रहा क्या सर? जी अब थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा कैमरा मूव मत करिए, एक जगह रखिए और धीरे धीरे उसको मूव करिए तो थोड़ा दिखाई। और मैं चाहूंगा कि आप ये जो शौचालय का वीडियो है, स्कूल का वीडियो है, वो बाद में आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेजें, तो हो ये शौचालय है जी। और यहाँ देखिए ये इसका गेट है, गेट की व्यवस्था ये है यहाँ। अच्छा इसमें बच्चियां भी आती हैं कि सिर्फ ये लड़कों का बॉयज स्कूल है? ये दोनों है, गर्ल भी यहाँ रहती हैं और बॉयज भी हैं। और ये शौचालय है और शौचालय का और जी। और मैं आपको ये डाइस कोड वगैरह भी दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए। आ जाइए जी। क्या पढ़ाई वगैरह होती है, टीचर वगैरह आते हैं कि बस हो गया? नहीं टीचर वगैरह आते हैं, पढ़ाई होती है जी। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता है, आप पूछना चाहूंगा तो उस आरोप को लेकर के क्या कहेंगे, और आपराधिक जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन दोनों आरोपों को लेकर के क्या कहना है आपका, क्योंकि आप ग्रामवासी हैं तो ये कांग्रेस में जानते होंगे जी। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है,
पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन ये अभी अगर आप बात करें तो ये विधायक दिवराज सिंह को ही वोट किए थे दोनों बार, दो पंचवर्षीय, है ना। और मैं भी बीजेपी का ही एक सदस्य हूँ, मैं भी बीजेपी को ही वोट करता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत बोलना पड़ता है सर, और अगर गलत बोलना एक अपराध के उसमें आता है तो ये गलती हम बार बार करेंगे। रवि सिंह जी से हम बातचीत करना चाहेंगे आगे। हक नहीं मिल रहा है तो आप आवाज उठाएंगे जी, हमारा संविधान भी इस तरह की आवाज उठाने की आजादी देता है। हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह जी से, जो मतलब अगर कोई अपने उसके लिए कोई सुविधा मांग ले अगर वो अपराध करता है तो फिर ऐसे विधायक का क्या काम है इस क्षेत्र में। अगर सर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं सभी ग्रामवासी, हम अगर विरोधी हो जाते हैं, हम तो आज तक किसी पार्टी से जुड़े ही नहीं, हालांकि हम तो किसान आदमी है, हमें किसानी करना है सर, पर पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें विरोध बनाया जाता है। और सही चीज उठा रहे हैं तो सही चीज है, चाहे आप पार्टी सर देखिए। अब सर मेरी एक बात सुनिए, जैसे कि अगर हमारा काम मेरे घर तक के लिए होता तो मैं अपने घर तक तो रोड बनवा लेता, मैं पूरे गांव को क्यों रोड देता, अपनी सभी जमीनों को क्यों फाड़ता। अपने घर से सर 5 लाख रुपए आज की डेट में बहुत बड़ी रकम होती है एक गरीब तबकों के लिए, हम लोग 5 लाख रुपए लगा करके रोड बनाए हैं। रोड बनवाएंगे तो फिर सरकार क्या करेगी, विधायक सर गांव वाले भी नहीं मिलके बनवाए, गांव वाले यही पूछने के लिए तो भागे हैं माननीय श्रीधर यहां से शुक्ला जी, यही पूछने के लिए उनको बोल रहे थे तो भाग दिए। विरोधी और इनको अपराधी बोल रहे हैं, यहाँ माने कोई आवाज उठाए तो उसको वो अपराधी ठहर जाता है। यहाँ पर आसमान घाट के लिए वहाँ के लिए जाने वही पूछ ले, चाहे मंडल अध्यक्ष हो चाहे कोई हो। तो सर एक बात और है, जो श्रीधर शुक्ला जी है ना जी, जो श्रीधर शुक्ला जी हैं और जो खबरिया न्यूज उनका चलाया है कि मतलब रवि सिंह अपराधी प्रवृत्ति के आदमी, तो वो खबरिया न्यूज जो चलाते हैं नीरज शुक्ला जी हैं और वो श्रीधर शुक्ला के भतीजे हैं जी, मतलब श्रीधर शुक्ला जो है उनके चाचा लगे हैं, तो वो उनके पक्ष मतलब उनका बचाव करने के लिए इस तरह का इनके ऊपर आरोप लगा दिए। तो अब हमारा सवाल ये है कि क्या आगामी दिनों में आपके द्वारा जो तथा न्यूज चैनल है या जो श्रीधर जी है उनके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करने की योजना है? जी हमने जवाबी कार्रवाई वो फेसबुक में अपना वो दिए थे तो हमने अपना जवाब उनको दे दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं किया है। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उनको जवाब दिया है। क्या आप लोगों के द्वारा कोई मामला भी दर्ज कराया जाना है जो इस मामले को लेकर है, तरह धमका के कि आपने घर में घुसने, आपने गांव में नहीं घुसने दिया, डरा धमका के कि आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए, एक तरह से क्या कहते हैं कि ये आने धमकाने की कोशिश है ताकि लोग आवाज ना उठाए गलत कामों के ऊपर? सर आपकी आवाज आ नहीं रही बराबर। अनुपम तुम पूछो एक बार। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस तरीके से करके आप लोग की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को आपराधिक या कांग्रेस कार्यकर्ता बता करके? और दूसरी चीज ये सर, है कि आज, क्या आप जी आज 4 दिन आज तो अपराध बताया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको अपराधी बना दिया जाए, रजिस्टर्ड करके थानों में रजिस्टर करवा दिया जाए। तो वही हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों के द्वारा भी कोई मामला दर्ज कराया जा सकता है, चूंकि आप लोगों को अपराधी बताया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसी भी सर, अगर समय अगर वक्त वो कहेगा तो हम उनके ऊपर मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं, पर अभी वो हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो हम ये काम नहीं करना चाहते हैं कि उनके ऊपर मानहानि का दावा करें या उनके ऊपर रिपोर्ट करें, हमारा ये कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे गांव के पंडित जी है, बगल के गांव के सम्माननीय है, पर विधायक कार्यकर्ता है, तो हम लोग विधायक जी से ना पूछ करके उनसे पूछ दिए, यही हमारा सबसे बड़ा अपराध हो गया था।
ये कोई अपराध नहीं है, अगर कोई कार्यकर्ता है तो ये उसका कर्तव्य है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी पद में है वो कार्यकर्ता तो ये उसका कर्तव्य है सरकार के प्रति जवाबदेही देना। और एक चीज ये जानना चाहेंगे कि क्या आपका श्रीधर जी से पूर्व में भी कोई मामला है या कोई आपसी तालमेल की कमी? सर हमारा उनसे कोई आपसी मामला नहीं है, हमारे वो मतलब गांव के बगल के पंडित जी हैं, ना कि हमारा कोई उनसे मतलब पर्सनली तो कभी आज तक मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, पर्सनली मैं आज तक उनसे नहीं मिला। पहली बार वो उस दिन चुनाव प्रचार में आए थे, वही पहला दिन था मेरा मिलने का उनसे पर्सनली, और उनके द्वारा ये जो वक्तव्य कहा गया कि हमारा पूरा परिवार, हम जबकि राजघराने से बवाई पाए हुए हैं, रीवा रियासत से एक जागीर पाए हुए हैं जो कि आज ही फराज जागीर नाम से जाना जाता है, और इसका इतिहास इतना बड़ा है फराज जागीर का सर, कि जो रीवा महाराजा साहब इसको अपने समय पे जब्त किए थे, पर हमारे रानी बजरंग वाली है उनके माध्यम से ये अपने आप बहाल हो गया था सर, रातों रात बहाल हो गया था। हम उस जागीर के वासी हैं सर, तो हमें ये है कि हम बजरंग बली की सेवा करते हैं लंगरदानी की, हम उन्हीं के कृपा में चलते हैं सर, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। पर यह है कि गांव का विकास सबसे बड़ा विकास होता है, कि जिंदगी में अगर व्यक्ति अपने गांव का विकास कर ले गया, सब कुछ कर ले गया, अपने में बड़े भाई के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए सर गाँव में हूँ जी। एक सवाल और है मेरा, मैं अपने बड़े भाई साहब के कार्य को जो चले गए दुनिया से, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ सर, बस इतना ही मेरे वो है जी। बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे, ये है हमारे संविधान की असली ताकत। अगर जिम्मेदार व्यक्तियों ने काम नहीं किया है और उनसे जनता सवाल पूछे, चाहे उस उनसे आप ये कह लो कि जो उनके विरोधी हैं अपोजिशन के हैं सवाल पूछे, तो वो असंवैधानिक नहीं है। ये संविधान की असली ताकत है कि आप लोग, और रवि जी हम ये भी जानना चाहेंगे, बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता में से और भी ऐसे लोग आए रवि सिंह जैसे, जो सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाए कि हमारे गांव की सड़क आके 10 साल से क्यों नहीं बनी। और सवाल तो पूछना बनता है, अगर 10 साल में सड़क नहीं बनी, चांद में हम पहुंच गए, अच्छे से लैंड भी कर लिए, लेकिन सिरमौर में अगर 250-300 लोग 500 लोग गांव के बाहर जीवन जी रहे हैं, पूरा डिस्कनेक्ट है, तो ये तो वाकई में एक तरह का आज के समय में अपराध है। अगर राजनेता ये सब नहीं कर सकते, अगर एक विधायक ये काम नहीं कर सकता, तो उसको हक ही नहीं है कि वो दोबारा विधायक बने। 10 साल ये लोकतांत्रिक असफलता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है जी, मैं दिल्ली के वार्ड क्रमांक 10 से आता हूँ जी सर। मैं कहानी सर ये है कि इनके भैया अपना पैसा स्वयं लगा के रोड का निर्माण करना शुरू कर रहे थे, इसके लिए रवि सिंह दादा उस दिन उनको देखे अचानक गाड़ी में चुनाव वाला समझ के, तो है ना, यानी ये रोड हम बनवाए हैं तो आप इसके आगे मत जाइए, बस वो थोड़ा सा अपना क्रोध दिखाए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सब लोग करते नहीं है, सबको थोड़ी रोके आ जाता है जिनसे हमको उम्मीद है जो हमारा कार्य करने वाले हैं। बात सब पर ये है सर, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, 5 मिनट। ये जो विवेक भैया मिश्रा जी ने हमको बताया आज की बार्ड हमारा डेली 10 है यहाँ, ये चारों गाँव का ये बार्डर है सर, समझिएगा बात को। आइए गांव से थोड़ा हट के है सर, मेन रोड से थोड़ा हट के है ये, लगभग समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर 3 मुख्य मार्ग से अंदर जी सर। उसमें से क्या हुआ कि थोड़ा सा काम उसमें हुआ भी है, ऐसा नहीं है, श्री रमेश प्रसाद शुक्ला जी हैं हमारे फरहाद में, तो उनके घर से और अभी तक के घर तक सीसी रोड बना भी, आप आके देख भी सकते हैं, उसके आगे लगभग 100 मीटर बीच में रोड छोड़ दिया गया, ठीक है, फिर आगे भी चलिए तो आगे भी अभी अगर श्रीधर शुक्ला जी के गांव जहाँ के लोग
वो लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है सर यहाँ से जी। सवाल एक ये भी है कि सवाल करना तो अपराध नहीं है, लेकिन जी सर इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा था उसमें कुछ गलत था? नहीं सर बिल्कुल नहीं। हम तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग कम से कम छोटे से गांव को हमारे थोड़ा सा ध्यान दिए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।